राइट, रिकॉर्डिंग इन बताया था ना प्रोग्रेस। इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे होता है, बताया देते ना इलेक्ट्रिकल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जब फाइंड करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जब लिखते हैं आप लोग तो वो क्या लिखते हैं, वी क्यू लिखते हो कि नहीं आप लोग बताइए। वी क्यू, वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वी स्टैंड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्यू स्टैंड फॉर द चार्ज कैरी बाय द चार्ज पार्टिकल्स। तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को मैंने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने एक्सलेट कर दिया, तो बताइए कितना एनर्जी होगा। नहीं इसको जूल लिख देता हूँ, रॉन्ग कर दिया, इसको जूल बताइए, जूल। तो आपको बोले थे ना कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सलेट करोगे तो आपका ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा कि नहीं बताइए आप लोग। एक्सलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट से एक्सलेटेड करोगे तो इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या हो जाएगा उसका, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो जाएगा आपका। यस, इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट आपने इलेक्ट्रिक बोल लिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो बताइए कूलम, आप वोल्ट एंड कूलम को मल्टीप्लाई करते थे क्या यूनिट आता है, जूल आता है कि नहीं बताइए आप लोग। यस सर, यस सर। ये समझ में आ गया, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट स्टैंड फॉर हाउ मेनी जूल। ये बाकी यस सर, बताइए, यस सर। दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू, दैट 1 इलेक्ट्रोवोल्ट स्टैंड फॉर द 1.602 × 10⁻¹ जूल, बिकॉज वी नो वोल्ट और उसको मल्टीप्लाई करोगे कूलम से तब आपका क्या आ जाएगा, जूल ही तो एनर्जी आएगा। कर लेंगे ये सब, बताइए तो ये समझ में आया आपका इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है। अब भाई लिखो, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट इफ वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज, लेट कर लो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मैंने लिया यहाँ पे 400 नैनोमीटर, बताओगे कितना इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। हियर यू हैव टू फाइंड व्हाट, हियर यू हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द इलेक्ट्रोवोल्ट राइट, और मैंने एससी व लैम्डा का तो थ्री फॉर्मूला पॉइंट यूज वन करो। वन वन इलेक्ट्रॉन। नहीं सुनिए, अगर 5 पॉइंट आपको सुनिए, देखिए सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो आप एक फोटोन की एनर्जी कितना लेते हैं बताइए, वी नो दैट एससी व लैम्डा राइट, एच न्यू, न्यू रिप्लेस बाय द सी व लैम्डा, एससी व लैम्डा, हेयर द एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, अब वी नो द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, बताइए इसे आप भी जानते हो फिर बताइए, तो आपका एच का वैल्यू कितना लेंगे, 6.626 × 10⁻¾ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से, दैट इज द 3 × 8 और डिवाइड कर देंगे मैंने किससे, नैनोमीटर से था तो 400 × क्या करेंगे यहाँ पे, 400 × क्या कर देंगे बताओ आप लोग, 400 क्या करेंगे कॉस्ट। ओके बताइए तो 4 × क्या करेंगे बताइए, 400 × 10⁻¹⁹। अब बताइए ये वैल्यू जब आप फाइंड करोगे ना बेटा, तो ये आई थिंक आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट करीब, यस सर। क्योंकि आप देखो ना मैं जहाँ तक देख रहा हूँ यहाँ पे ये जूल में पहले कैलकुलेट करेंगे ना, तो बेटा कैलकुलेट जूल में अगर करेंगे तो ये 6.626 × 3/4 सेंटी, इधर आ जाओ ये -34 है, ये 9 ये 7 हो जाएगा, 7 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 15, आप 15 से अगर करोगे तो 10⁻¹⁹ आ जाएगा कि नहीं, इधर देखो चेक करो
एक्सपोनेंट देखो ना, ये मैंने 34 लिया और ये ऑलरेडी 8 है, तो ये ऊपर जैसे 7 जाएगा तो 8 7 15 हो जाएगा। आप 15 से जैसे 34 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -19 आ जाएगा कि नहीं? यस सर, यस सर, ये किस यस में आ सर, गया? यस जूल में आ सर। गया। ये किस में आ गया? जूल में। आप बताइए, जूल में आने के बाद यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रो वोल्ट, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? सर चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ यस इलेक्ट्रॉन। आप बताइए, जूल में आ गया तो 6 पॉइंट आप क्या करेंगे? देखो 6.626 इंटू 3, 3 तो रखेंगे ही आप, इंटू 3 अपॉन क्या करेंगे 4, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 10^-19 और उसी को डिवाइड कितना से कर देंगे आप इलेक्ट्रो वोल्ट में लाने के लिए? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो -19 जैसे जाओगे बेटा तो ये 19 19 तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका। और देखो ये, इधर देखो, इधर देखो, ऑलमोस्ट आपका 3.4 आ रहा है, 3.1 इलेक्ट्रो वोल्ट आ रहा है कि नहीं, चेक करो। जी सर, जी सर, देखिए अब इसमें एक चीज सब सुनिए, बता रहा हूँ आपको एक चीज, इस तरह का क्वेश्चन जब बनाओगे तो ये वैल्यू फिक्स होगा कि नहीं, ये बताओ पहले आप। जी सर, जी सर, और इस तरह का क्वेश्चन को जब इलेक्ट्रो वोल्ट में लाएंगे तो ये वैल्यू फिक्स रहेगा कि नहीं, आपका बताओ। हाँ, आप एक काम करो, इसको मैंने किस में लिखा, नैनोमीटर में। यस सर, यस सर, इसको किस में लिखा मैंने, नैनोमीटर में। हाँ, नैनोमीटर का ये वैल्यू रहने दीजिए, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऊपर लेके जाइए 8 के पास, तो कितना हो जाएगा वो 17। सेवनटीन को जैसे ही 34 से लाओगे तो -17 रह जाएगा। हाँ अब -17 को जैसे इससे डिवाइड करेंगे ना, ये डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? देखो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा अपने आप। देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपको। देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखिएगा फर्स्ट बेटे, देखते क्या फॉर्मूला लाने जा रहा हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रो वोल्ट, ये हो जाएगा 1240, वो कैलकुलेशन लैम्डा इन नैनोमीटर। अगर लैम्डा इन नैनोमीटर में देगा, 1240 से डिवाइड कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रो वोल्ट में। समझ में आया फॉर्मूला कैसा है ये? इसी को 12400 कर देंगे और ये लैम्डा अगर एंगस्ट्रम में देगा तो आपका एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रो वोल्ट्स में। समझ में आए या फिर से बता दूं? मैंने क्या बोला आपको, जब इलेक्ट्रो, सुनिए बताइए बता रहा हूँ, ये वैल्यू बेटा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, कैलकुलेशन बताइए, फिक्स हो जाएगा सबके लिए? ना। ओके, नैनोमीटर में देगा तो ये इतना तक को मैं फिक्स कर दिया, देखो इतना तक का फिक्स कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली आपको लगता है ना कि 20 के करीब जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा क्या होता है 18, और वहां पे 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, पार्थिव बताइए कितना हो जाएगा, 20 के करीब चला जाएगा कि नहीं वो? और 20 को जब डिवाइड करोगे 1.6 से तो आपको नहीं लगता कि 12.12 और 13 के बीच में आ जाएगा वैल्यू कुछ? उसी से तो फॉर्मूला आपका आ गया ये ना। दिस पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल? बताइए तो इसमें एडवांटेज क्या होगा, इफ यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इलेक्ट्रो वोल्ट, इफ नो एंगस्ट्रम, अगर आपको नैनोमीटर एंगस्ट्रम किसी दो में से देगा, अगर दोनों में से किसी में भी देगा, इवन आपको पिकोमीटर में भी देगा ना, तो उसको एंगस्ट्रम और नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस फॉर्मूला पुट करोगे तो आप ज्यादा स्टेप कैलकुलेशन को अवॉइड करके सीधा इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे कि नहीं आप? बताइए एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रो वोल्ट में आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे? अगर मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रो वोल्ट में देगा और अगर वेवलेंथ आपको फाइंड करना है नैनोमीटर में या एंगस्ट्रम में, तो डायरेक्टली इसे फाइंड कर सकते हो कि नहीं आप? तो इससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला बेटा यूज करोगे तो आपका जो स्टेप्स होगा, आपका जो कैलकुलेशन होगा, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत लेस स्टेप में करोगे और इजिली आप कैलकुलेट करके निकल जाओगे। नाउ दिस फॉर्मूला इज क्लियर फॉर यू ऑल? टेल मी यस और नो, देन आई विल मूव टू द फर्दर टॉपिक। यस सर, यस सर, नाउ बताइए शिवांगी।
बताइए आप लोग, शिवम बताइए, नाउ दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल। यस सर तो देखो अब क्या बताने जा रहा हूँ, सुनो और एक नोट करके बता रहा हूँ। वन इलेक्ट्रो वोल्ट पर एटम या पर मॉलिक्यूल, पर एटम ले लो या पर मॉलिक्यूल ले लो या पर फोटोन ले लो, जो ले लो आप, ये हमेशा होता है इक्वेलेंट टू 96.5 किलो जूल पर मोल्स। अगर आपने क्या क्या एनर्जी फाइंड कर ली इलेक्ट्रो वोल्ट में, अगर एनर्जी फाइंड करना आपका किलो जूल पर वोल्ट में, तो जो इलेक्ट्रो वोल्ट फाइंड किया ना आपने, उसको आप 96.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल पर मोल्स में। बोलोगे सर आपने कैसे लाया यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, ये जो एनर्जी मैंने इलेक्ट्रो वोल्ट में लाया, उसी एनर्जी को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल टू क्या था, ये था, आपने देखा था ये जूल। आप इसी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पर मोल आ जाएगा ये। आप पर मोल जैसे ही आ जाएगा आपका, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, ये रिलेशन। तो 1 इलेक्ट्रो वोल्ट पर एटम होगा या 1 इलेक्ट्रो वोल्ट पर मॉलिक्यूल्स होगा या 1 इलेक्ट्रो वोल्ट पर फोटोन होगा। इफ यू हैव टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन इन द किलो जूल पर मोल, तो आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर गेटिंग द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इन इलेक्ट्रो वोल्ट, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 96.5 टू गेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ ये, या फिर से बता दो? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिलेशन है, ये सब बहुत ट्रिक होता है ये, कि अगर आप दिखा देंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर मान लो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने जाओगे तो इट विल टेक मोर टाइम, मोर कैलकुलेटिव। दिस इज द वेरी सिंपल ट्रिक टू हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रो वोल्ट, आफ्टर गेटिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन द इलेक्ट्रो वोल्ट, यू कैन इजिली कन्वर्ट इन टू द किलो जूल पर मोल, राइट? तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 96.5 किलो जूल, याद रखिएगा। इसी को अगर आप क्या करेंगे ना, आप 1 इलेक्ट्रो वोल्ट पर एटम या पर मॉलिक्यूल को, पर एटम या पर मॉलिक्यूल को, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए होता है इलेक्ट्रो वोल्ट में एनर्जी पर एटम पर मॉलिक्यूल्स को, तो वो होगा आपका 23.06, देखो 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। बेटा ये दोनों अगर याद रखोगे ना, तो बहुत हेल्दी रहोगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो बनाते रहिएगा पूरा लेंथी, बहुत टाइम लगेगा आपका। ये मैं पीवीआर लिख देता हूँ, दोनों आप याद रखो, रिलेशन कैसा है मैंने बता दिया, मैंने कुछ एप्लीकेशन बता दिया, ट्रिक बता दिया, हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोन इन द इलेक्ट्रो वोल्ट, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रो वोल्ट इज गिवन, तो हाउ यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द एंगस्ट्रम एंड वेब एंगस्ट्रम एंड नैनोमीटर। फिर मैंने बताया कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन आपको किलो जूल पर मोल में फाइंड करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रो वोल्ट, इलेक्ट्रो वोल्ट मल्टीप्लाई विद द 96.5 दैट शो द किलो जूल पर मोल, अगर उसी को 23.06 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल शो द किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर हुआ ये सब, ये यूनिट का कन्वर्शन है, याद रखना बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट लिखो, अब आते हम लोग पार्टिकल नेचर पे वर्क करें कि वेव नेचर पे वर्क करें क्वांटम थ्योरी में। पार्टिकल्स नेचर पे, आप पार्टिकल नेचर पे जाएंगे तो आपका सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई लिखूंगा। सबसे पहले ये फोटो लेक इफेक्ट होता क्या है, तो देखना यहाँ पे फोटो लेक इफेक्ट बता रहा हूँ, ये क्या होता, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या बता दे, तो पहले डिफिनेशन लिख लो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, व्हेन लाइट ऑफ ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट, दिस फेनोमेना इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको बताइए,
फोटो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस। दिस फेनोमेनन इज नॉन एज या इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनो फिर से बता रहा हूं। एक मेटल सरफेस होगा, ये आप टू रेडिएटेड द रेडिएशन, रेडिएशन को जैसे एलिमिनेट करोगे, जैसे रेडिएशन उस पर स्ट्राइक करेगा विद द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होता है, मैं दैट पार्ट आई विल डिस्कस लेटर। जब उस पर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक जैसे ही करेगा तो वहां पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसी इमिशन या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस आप कब देखोगे, जब आप लाइट दोगे उस पर। अब बताओ बेटा, इफ यू आर नॉट गिविंग एनी लाइट, इज इट पॉसिबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस? नो। तो समझ में आए फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस व्हेन द लाइट ऑफ द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट। तो दिस फेनोमेना इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो आप एक थ्योरी जो बता रहा हूँ इसका देखिएगा, फिगर बताऊंगा पहले एक चीज देखिएगा, देखो क्या होता है। ये देखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, देखना देखो इसको, देखो समझ में आएगा, ये देखना देखना, ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को, एनिमेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ दिख रहा है आपको, एक रेडिएशन आया होगा पिंक कलर का है, देखो पिंक नहीं वायलेट कलर का। आ देखो जैसे वायलेट कलर का है, वहां से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल के आ देखो बल्ब को ग्लो करवा दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो वहां पे आ मीटर में आप डिफ्लेक्शन देख रहे हो, चेक करो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए आप लोग। जी सर, जी सर, जी देखो मैं बता रहा हूँ, ये होता है फोटो, और भी एक फोटो देखो, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल। तो इसको ग्लास कर रहा था, ये ग्लास का ये चैम्बर बना रहा था, तो ऐसे लिख देता हूँ, इसका ग्लास का चैम्बर आता है, ये ग्लास का बना रहा था। और देखो जहां से रेडिएशन आ रहा है, जहां से रेडिएशन आ रहा है उस पर क्या होता है सब बताऊंगा आगे। देखो ये जो मेटल का प्लेट देख रहे हो, ये जो मेटल का प्लेट, ये जो मेटल का प्लेट देख रहे हो, ये मेटल का प्लेट होता है, ये मेटल का प्लेट जहां से आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है। तो बताओ मेटल प्लेट क्या बना है यहाँ पे, कैथोड या एनोड? सर कैथोड। कैथोड देखिए बैटरी के पॉजिटिव या निगेटिव टर्म में जुड़े हैं, निगेटिव से तो कैथोड हो जाएगा। और एक्सेप्टर कौन है, ये इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर। कलेक्टर किसका बना हुआ बताइए तो, एनो एनो एनोड। एनोड आपका क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल। देखो पॉजिटिव। बेटा आप एक काम करो, यहाँ से देखो इस मेटल प्लेट को इस इलेक्ट्रोड से मैंने तो कनेक्ट करके नहीं रखा, जो सर्किट कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन जैसे रेडिएशन इस पे स्ट्राइक किया, रेडिएशन स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से देखो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन निकल के आया इसके तरफ अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस। आज जैसे इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो करने लगा। इसका मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, चेक कीजिए। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है आपका यहाँ पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक शो करने के लिए जिस मेटल से आप इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाओगे, उस मेटल का क्या बनाओगे, प्लेट क्या बनाओगे, कैथोड या नोड? क्या बताओ थोड़ा क्या बताओ, कैथोड। थोड़ा थोड़ थोड़ अब व्हेन एवर यू हैव टू ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन एवर यू हैव टू ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमेशा होता है वैक्यूम में। आप बोलोगे सर एयर में क्यों होगा, आप इलेक्ट्रॉन जैसे ये इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलेगा ना बेटा, और एयर के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो एयर को आयनाइज कर देगा। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे वहां पे? नो। इसलिए जब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो आपका वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए, ये गैस के साथ फिल्ड होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। देखो मैं लिख रहा हूँ आपको, देखना एक और फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए देखो यहाँ पे ये फिगर बना लेना आप लोग, एनसीईआरटी में भी दिया। देखो यहाँ पे ये देखो, इसमें क्लियरली दिखा है वैक्यूम चैम्बर दिया कि नहीं, लिखा है कि नहीं, देखो तो आप लोग वैक्यूम चैम्बर। मेटल सरफेस का क्या बनाया, वो कैथोड। और डिटेक्टर जो कलेक्टर बोला उसको क्या बनाया, वो एनोड बना, वहां से इलेक्ट्रॉन सारा लाइट जैसे आया।
लाइट जो बेटा आता है, ये याद रखिएगा कि लाइट जिस, ये जो लाइट आता है यहाँ जो होल बना रहता है, ये होल किसका बना रहता है सुनिए, ग्लास का नहीं रहता है, वो बना रहता है आपका क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज का भी मतलब क्यों रहता है ये, क्वार्ट्ज आपका, क्वार्ट्ज का विंडो बना रहता है वहां पे, विंडो। क्वार्ट्ज का विंडो क्या करेगा, अलाउ द मूव, अलाउ द पर्सन, किसको अलाउ द, लाइट फोटॉन्स टू स्ट्राइक ऑन द वॉल मेटल। मेटल आप एक काम करो, अगर क्वार्ट्ज नहीं देते ग्लास देते तो क्या होता है, ग्लास ही अब्जॉर्ब कर लेगा फोटॉन्स को, इसे लाइट किसके थ्रू पास कराते हैं, क्वार्ट्ज के थ्रू पास कराते हैं या ग्लास के थ्रू, बताइए आप। क्वार्ट्ज के थ्रू, क्वार्ट्ज के क्योंकि थ्रू, ग्लास उसको क्वार्ट्ज के अब्जॉर्ब थ्रू, कर अब्जॉर्ब कर लेगा लेगा तो तो वो वो इफेक्ट ही इफेक्ट नहीं ही नहीं दिखेगा। दिखेगा। यस फोटॉन। नहीं 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 सुनिए, अब खुद से सोचिए, लाइट यहाँ पे आपका फोटोन लेके आ रहा है, और अगर यहाँ पे ग्लास रख देते तो ये क्या करता, मैक्सिमम फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे बहुत लेस नंबर ऑफ फोटोन्स आता है तो बहुत लेस इंटेंसिटी होता है, तो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं रिफ्लेक्शन को, बताइए। नो, तो ज्यादा से ज्यादा फोटोन मेटल सरफेस पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास के विंडो नहीं देते, वहां पे एक विंडो बना देते हैं किसका, जिसके थ्रू लाइट जाएगा, उसका क्वार्ट्ज का बना देते हैं। अगर बेटा क्वार्ट्ज का नहीं बनाओगे तो आप मान लो कि 100 फोटोन्स आएगा ना, तो 90 फोटोन को ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा और 10 फोटोन्स ही जाने देगा आपको मेटल सर्फेस पे, ज्यादा इंटेंसिटी का तो करंट आएगा नहीं आपका, तो कैसे बल्ब में ग्लोइंग देखोगे आप। नहीं, आई डाउट बात नहीं, समझ डाउट में, है। तो ग्लास क्या करता है, ग्लास क्या करता है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए क्या करेंगे, क्वार्ट्ज देंगे, ये ग्लास के थ्रू पास कराएंगे हम लोग। तो क्वार्ट्ज के थ्रू, अब वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए, गैस के साथ फिल्ड होना चाहिए वैक्यूम चैम्बर। मेटल के जो प्लेट बनाओगे वो किसका बनाएंगे, कैथोड या एनोड का, तो कैथोड का, और कलेक्टर किसका, डिटेक्टर क्या रहेगा, एनोड। यहाँ पे आमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो वो शो क्या करेगा, करंट फ्लो। करंट फ्लो कब होगा, जब आप लाइट दोगे, लाइट स्ट्राइक स्टॉप कर दोगे तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में, क्वार्ट्ज नहीं, क्वार्ट जो होता है, क्वार्ट जो होता है वो अमरफस सॉलिड, क्वार्ट जो होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वहां पे, तो वो जो आपका मेटल में इजिली थे, तो आपका ग्लास जो होता है, ग्लास क्या होता है, मेटल होता है, आप मेटल के इलेक्ट्रॉन को इजिली वो एक्साइटेड कर देगा, अब वो जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन हाईली बॉन्डेड होगा, आपको स्ट्रांगली होल्ड रहेगा, इसलिए नहीं कर पाएगा। सही बात समझ में, चलिए अब देखो कुछ बेसिक टर्म्स आएगा, मैंने ये बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए आप वैक्यूम चैम्बर लोगे कि गैस, ग्लास, ये गैस से फिल्ड चैम्बर होना चाहिए, तो वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए। मेटल का प्लेट का क्या बनाओगे, तो मेटल का प्लेट का यू हैव टू मेक द कलेक्टर, नो यू हैव टू मेक द इमीटर, इमीटर दैट इज द मेटल सर्फेस मेड ऑफ द कैथोड, एंड कलेक्टर या डिटेक्टर दैट इज द एनोड, एनोड दैट मस्ट वी हैव टू कनेक्ट विद द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, तो दिस आर द, दिस इज द सेटअप फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा विंडो दोगे किसका, ग्लास के चैम्बर में विंडो दोगे किसका, क्वार्ट्ज का, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन विल कैन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। कर लेंगे अब, आइए अब वो कुछ कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या होता है, कुछ टर्म होता है, लिख लो पहले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू नोट से दिखाते हैं हम लोग, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ऐसे लिखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड
ऐसे लिखो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब आते मेटल सरफेस पे, या मेटल के बल्क में कहीं भी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके साथ फोटो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन रहेगा कि नहीं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, बताओ। देखो क्या आपको मैं क्या बोलना बोल चाह रहा हूँ, देखो आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये मेटल का शीट ले लो, ये मेटल का शीट ले लो, आप मेटल के शीट पे लेट कर लो कि ये टारगेट आपने इलेक्ट्रॉन को किए, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल के सल्फेट पे, ये मेटल के सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज सब है वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा कि नहीं, ये बताइए पहले। कहीं भी मेटल का शीट लोगे, कहीं भी लोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से, मोर देन वन न्यूक्लियाई से, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसके अट्रैक्शन में है कि नहीं, वो फ्री तो नहीं, अट्रैक्शन में है कि नहीं वहां पे, बताइए। अब वहां से उसको फ्री करोगे तो फ्री करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, मतलब आप बोलोगे कि यहां से आपको कट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एनर्जी दोगे कि नहीं। यस एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, एक सिंपल आपको डेली लाइफ से कोरिलेट कर देता हूँ। मान लो आप कहीं पे स्टे करते हो, सुनना बारा, मान लो कहीं पे स्टे कर रहे हैं आप, और आपको मान लो कि कहीं पे इंस्टीट्यूशन जाना आपको, तो आपको इंस्टीट्यूशन जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो फेयर चाहिए, वैसे तो नहीं आओगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब फेयर चाहिए तो मान लीजिए आपका जो रूट है उस रूट में बसेज भी अवेलेबल है, ऑटो भी अवेलेबल है, कैब भी अवेलेबल है, लेकिन आपका सबसे फेयर जो मिनिमम फेयर चाहिए वहां पे जाने के लिए, वो मिनिमम फेयर तो बस का फेयर चाहिए कि नहीं आपके पास, यस सर। आपका बस का फेयर मिनिमम चाहिए। आप खुद से सोचो, मम्मी से आप, मम्मी आपको दी 10 रुपीज बस का फेयर है, मम्मी आपको दी 50 रुपीज, तो आप 10 रुपीज बस फेयर में एक्सपेंड करोगे, 40 रुपीज का आप मस्ती करने के लिए ले लो, चॉकलेट खरीद लो, कुछ भी खा लो, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी लो। अगर मान लो आपको मम्मी ने 100 रुपीज दिए तो फिर 10 रुपीज आप वहां पे इन्वेस्ट कर दो, 90 रुपीज का आप मस्ती कर लो। तो आप खुद से सोचो मिनिमम अमाउंट चाहिए कि नहीं आपको वहां पे फेयर के लिए। यस अगर सर, यस सर। आपको, अगर आपको मान लो कि फेयर है, मिनिमम फेयर है 10 रुपीज, अगर मैं आपको 8 रुपीज देंगे आप कभी डेस्टिनेशन पे जा पाओगे? नेवर। सिमिलरली आप सोचो कि मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, या मेटल के बल्क में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा न्यूक्लियस के अंदर द अट्रैक्शन में, वो न्यूक्लियस के अंदर वो स्टे कर रहा है। अब बताइए बहुत सारा न्यूक्लियस पे उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उस पर एग्जर्ट हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं आपको, बताओ बेटा। और एनर्जी जो चाहिए, नहीं, आप सुनिए, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं, बाइंडिंग एनर्जी से फ्री करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं, बताइए, एनर्जी चाहिए कि नहीं, पहले बताइए एनर्जी चाहिए कि नहीं उसको फ्री यस करने के लिए, सर, यस। चाहिए। आप एनर्जी को हम लोग किसके फॉर्म में देख रहे हैं, क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, तो कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के एक फोटोन स्ट्राइक करना चाहिए इस पर, हाँ, और उस पर्टिकुलर फोटोन्स का जो होगा उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगा, तो मिनिमम जो एक फोटोन्स आएगा, जो मिनिमम एनर्जी का जो फोटोन्स आएगा, जैसे मैंने 10 रुपीज बोला मिनिमम, तो सोच लो कि 10 जूल का एक फोटोन जब आएगा तो 10 जूल का जो फोटोन एक फ्रीक्वेंसी लेके आएगा, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन्स आएगा तो कभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। नहीं। मतलब कि मैंने क्या बोला आपको कि 10 रुपीज आपका फेयर है, अगर आपके पास 5 रुपीज है, या इवन आपके पास 8 रुपीज है, या आपके पास 9 रुपीज मैं दे दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू, डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाओगे। नहीं सर, नहीं सर। तो सिमिलरली सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ये पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए मेरे को 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो एक फोटोन जो आएगा, फोटोन वो 10 जूल एनर्जी लेके आएगा तभी इसको फ्री कर सकता है। हाँ, यस सर। अगर मान लीजिए वो फोटोन आपका 9 जूल एनर्जी लेके आएगा तो फोटोन तो यूजलेस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं। अगर यही फोटोन मान लो कि, यही फोटोन मान लो कि 15 जूल एनर्जी लेके आ गया, 15, तो 10 जूल तो आप इसको फ्री करने के लिए लगाओगे, आप 5 जूल बोलोगे काइनेटिक एनर्जी ले भाग, वहां से लेके भाग जाएगा कि नहीं, बताओ। जी सर, जी ये सर। सर आप एक काम जो करो, जो जॉन्स जॉन्स सुनिए हॉटल्स पर है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज बता रहे, सुनिए,
आप एक काम करो, मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। जब मम्मी से आप कहीं पे मान लो कि क्लास में कहीं पे आपका मान लीजिए ट्रीटमेंट ये चलता है, बर्थडे पार्टी या कुछ भी सेलिब्रेशन होता है, मम्मी को बोलो मम्मा पैसा दो मैं सेलिब्रेट करूंगा, बोलते हो आप, सुनिए आराम से सुनिए। तो मम्मी क्या करती है, मान लो आपको 100 रुपीज देती हो, आप चेहरा बना के वहीं पे खड़े रहते हो, बोलते हो कि नहीं मम्मा इसमें नहीं होगा, राइट। मम्मी ने आपको क्या की, 100 रुपीज और दे दी, तो थोड़ा चेहरा बना के वहां से स्लोली आप निकलोगे, स्लोली। और जैसे मम्मा ने वहां पे 1,000 रुपीज देगी, आप फुर्र से भाग जाओगे वहां पे, होता है कि नहीं बताइए आप, करते हो कि नहीं ये लो आप लोग बताइए या नहीं करते हो। यस सर, यस सर। तो वैसे ही सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए 10 जूल चाहिए, अगर उसको मैं 15 जूल दूंगा तो 5 जूल करेगा क्या, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भाग जाएगा कि नहीं, मेटल सरफेस को छोड़ के जी सर भाग भाएगा, जाएगा। भाएगा। अगर मान लो इसी को 10 जूल चाहिए मेरे को पता है, अब मैं अगर 50 जूल का कोई फोटोन दे दूंगा तो 10 जूल अपना यूज कर लेगा ये फ्री करने के लिए, अब 40 जूल को उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। कुछ आइडिया लग रहा है आपका, एनर्जी दो पार्ट में जा रहा है यहाँ पे। तो मैं एक ही सोच रहा आप खुद से सोचो, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आपको, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो रेडिएशन लोगे, देखिए क्रॉस के देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो रेडिएशन लेंगे, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आएगा उसी रेडिएशन को क्या बोलेंगे आप, मिनिमम सर। फ्रीक्वेंसी जो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो दोगे टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोगे उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलोगे आप, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आई बात में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो पर एक इलेक्ट्रॉन एटम के इसमें रहेगा ना, इसमें ऑर्बिट में, रहेगा उसके तो ना, नहीं, आप एक ही सुनिए रहेगा। सुनिए 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 सुनिए, मेटल के सरफेस पे जब जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे एटम्स रहेगा, हाँ, आप किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उस एटम के न्यूक्लियस के तो अंडर द अट्रैक्शन है, रिमेनिंग जो उसके बगल बगल में जो पड़ोसी रहेगा उसका एटम, उसके भी तो पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी तो कुछ कुछ तो उस पर फोर्स डालेगा। अच्छा। नहीं आपको क्या लगता है कि आइसोलेटेड एटम पे तो वर्क नहीं कर रहे हम लोग, सर, आइसोलेटेड एटम पे वर्क नहीं करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो देखो वहां पे तो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, जी सर, जी सर, जी अब आई बात समझ में। सर। अब देखो, तब मैंने क्या बोला कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस उसको फ्री करने के लिए, मतलब कि कहीं पे बॉन्डेशन है तो उसको कट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ये समझ में है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वही है, देखो यहाँ पे, देखो मैं बता रहा हूँ, ये नोट करके लिख लो, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका होगा, याद रखिएगा, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, सुनिए, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लेस होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से फ्री हो जाएगा, लेकिन फ्री होने के बाद उसको भागने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो यस काइनेटिक एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कभी भाग पाएगा वहां से, बताइए, नो। इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं, यस नहीं। तो आपको क्या चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक शो करने के लिए आपका जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या इक्वल टू फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ग्रेटर देन, अब आई बात समझ में, यहाँ पे कुछ आइडिया लगा, यहाँ पे यस सर, यस सर। इंसिडेंट रेडिएशन, तो अगर मान लो कि आपका लेट कर लो कि कहीं पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा और इंसिडेंट फोटॉन्स का भी फ्रीक्वेंसी दे देगा, इफ द इंसिडेंट फोटॉन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इट पॉसिबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, नेवर। तो बताइए जो फ्रीक्वेंसी आना चाहिए दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, बताइए, इलेक्ट्रॉन फ्री होकर निकल जाएगा यहाँ से, तो बात समझ में। जी सर, जी सर, यस सर।
आपको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को फ्री, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से आपको इजेक्ट करना है, तो बिफोर वहां से इमिशन करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी फोर्स है उससे पहले फ्री कर दो। आप फ्री करने के बाद कुछ उसको एनर्जी दे दो, जो भागो यहाँ से आप, तो भागेगा किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी लेके भागेगा कि नहीं। देखो एक टर्म क्या होता है, सुनिए, एक टर्म होता है यहाँ पे लिखो वर्क फंक्शन, बेसिक टर्म है, दो एक दो वर्क फंक्शन लिखो क्या होता है, वर्क फंक्शन में बता रहा हूँ, वर्क फंक्शन इसको डब्ल्यू नॉट से दिखाते हैं या फाई से दिखाते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है सुनो, मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, उससे फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तब बताइए वर्क फंक्शन किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आएगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आएगा, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड। याद रखिएगा मतलब कि आप बोल सकते हो यहाँ पे जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एच न्यू नॉट हो जाएगा कि नहीं, बताइए टर्म आया समझ में, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन रिलेटेड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म यू, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी। अब व्हाट एवर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, द नाउ वर्क फंक्शन रिलेटेड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा कि नहीं। चलिए आसो अब देखो क्या बता रहा हूँ आपको, देखना किसी मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को जो फ्री करने जाओगे तो आपको मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, ये मैंने बता दिया अभी, बताइए क्या मिनिमम बोला था मैंने, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन ये सब पॉजिटिव चार्ज उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को बेटा हटाओगे तो उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए बताइए आप खुद से। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो देखो यहाँ पे आपका एनर्जी लेके आ रहा है टोटल एनर्जी, ये फोटॉन्स का रहा है, ये फोटॉन की एनर्जी आया है यहाँ पे, फोटॉन एनर्जी लेके आ गया। आप बताइए फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं, देखिए हाँ एक यहाँ पे वर्क फंक्शन हो जाएगा, वर्क फंक्शन क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, और रिमेनिंग एनर्जी कहाँ पे चला जाएगा बताइए, क्या प्रोवाइड कर देगा, क्या प्रोवाइड कर देगा बताइए भारती, बताइए क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा कि नहीं बताइए। ओके मतलब आप लिखोगे वन फोटोन या वन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय वन फोटोन या टू फोटोन बताइए। टू वन तो आपको बोलेगा कि एक फोटोन लेके एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा कि मोर देन वन फोटोन, तो ये आप सीधा बोलना कि वन फोटोन इज यूज टू इजेक्ट द वन इलेक्ट्रॉन्स, तो दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितना फोटोन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दो फोटोन, थ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए थ्री फोटोन, और ये फोटोन का जो एनर्जी होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन वर्क फंक्शन या लेस देन वर्क फंक्शन। मोर मोर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। आइंस्टाइन क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करता है तो उस एनर्जी को कितना पार्ट में वो यूज करता है, दो पार्ट में यूज करता है कि एक ही काम के लिए यूज करता है वो एनर्जी को। दो देखो आप खुद से सोचो, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के थ्रू, ये न्यूक्लियस से जो बॉन्डेड है उसको फ्री करने के लिए आपको 10 जूल चाहिए,
और आप आ रहे हैं यहाँ पे 15 जूल लेके, तो आप 15 जूल के एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा 15 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, मैं बोल रहा हूँ आपको कि 15 जूल एनर्जी आप लेके आ रहे हो ये, और ये वर्क फंक्शन यहाँ पे 10 जूल का है, रफली बता रहा हूँ, इतना ज्यादा होता है नहीं, रफली बता रहा हूँ आपको। तो बताओ 15 जूल लेके आया और 10 जूल को वो यूज करेगा टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगा उसको? काइनेटिक एनर्जी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ ये कि टोटल एनर्जी जो फोटोन का आना चाहिए वो कहाँ कहाँ यूज होना चाहिए, तो वर्क फंक्शन अब प्लस क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं, तो सुन लो, आप जब 15 जूल का फोटोन दोगे तो आपके पास 10 जूल हो गया वर्क फंक्शन के लिए, 5 जूल जो था वो पूरा का पूरा आपने दे दिया काइनेटिक एनर्जी में। तो जब भी एक फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को इमिशन के लिए, तो डेफिनेट अमाउंट वो यूज कर लेगा टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी दे देगा कि नहीं, आपको बताइए। इसीलिए बोला जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आप फॉर द पर्टिकुलर फोटोन यू कांट इमेजिन, इमेजिन ही नहीं कर सकते हो आप। क्योंकि आपने देखो, आपने 15 जूल का फोटोन दिया, 10 जूल आपने वर्क फंक्शन के लिए, 5 जूल आपने क्या प्रोवाइड किया काइनेटिक एनर्जी। तो एक पार्टिकुलर फोटोन जो 15 जूल लेके आया था उसमें तो 5 जूल आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। अब बताइए 15 जूल एनर्जी अगर प्रोवाइड करोगे उसमें 5 जूल चला गया आपका काइनेटिक में, 5 जूल से ज्यादा या लेस हो सकता है इसमें? नो। बताओ 5 जूल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कर सकते हो अगर 15 जूल का नो फोटोन आएगा सर, नो तो? सर। नो। तो खुद से बताइए कि 15 जूल का फोटोन आया, 10 जूल आपने वर्क फंक्शन में यूज किया, 5 जूल आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया। आप खुद से बताइए 5 जूल से ज्यादा आप काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो 15 जूल फोटोन के लिए? नो सर, नो नहीं सर, सर, नो नहीं सर। सर। हमेशा मैक्सिमम बोल देंगे कि नहीं पर्टिकुलर फोटोन के लिए। जी सर, जी सर। अब आई बात समझो क्यों बोला जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दे पर्टिकुलर फोटोन के लिए यू कान प्रोवाइड मोर देन दैट काइनेटिक एनर्जी, नहीं दे सकते हो। अगर मान लो कि मैंने 15 जूल का फोटोन दिया, अगर 20 जूल का फोटोन देंगे तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी तो सर बढ़ गया बढ़ गया, लेकिन अब तो फोटोन भी चेंज हो रहा है ना आपका। बताइए जी फोटोन सर, चेंज हो जी गया कि सर, नहीं आपका 20 जूल का लेके चले आएंगे तो? यस सर, यस इसीलिए फॉर पर्टिकुलर गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए फिक्स हो जाता है ये। तो देखो यहाँ पे अब इसी इक्वेशन को, इक्वेशन मान ली, इसी इक्वेशन को आगे लेके चले जाते हैं हम लोग। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन को एच न्यू लिख सकते हो कि नहीं आप, जी सर, जी सर। और इसको एच न्यू लैम्डा लिख सकते हो कि नहीं, न्यू नॉट लिख सकते हो कि नहीं आप, हाँ, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकते हो कि नहीं ऐसे? ये इक्वेशन टू ले लिया मैंने। आप सुनो इसी इक्वेशन को आगे ले जाएंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग एच न्यू और एच न्यू नोट अ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम स्पीड 3। जी। इसी को वेवलेंथ में लिखेंगे तो एच लेमडा लेंगे, एच सी वेलेमडा नोट, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वैसे थ्रेशोल्ड यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम लिख सकते हो कि नहीं आप बताइए। बताओ ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इक्वेशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है इस पे, जेई मेन में तो पूछता ही है, नीट में भी कभी कभी पूछ देता है इस पे। बताओ यहाँ तक समझ में आए ये जो इक्वेशन मैंने बनाया सारा? यस मतलब टोटल फोटोन की एनर्जी को मैंने दो पार्ट में यूज किया, टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी विल प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी। इसको स्टेटमेंट में लिख दो, ये समझ में आ गया आपको? बताइए। सर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 कर दिए, तो आप सुनो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिएगा नोट करके लिखते चलो, एक एक पॉइंट लिखते चलो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुआ था, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स लिनियरली, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिपेंड्स लिनियरली
ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आप इक्वेशन 3 देखो, नहीं इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 में देखो, आइए मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा क्या दिए। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 लीजिए, फ्रॉम बताओ बेटा एस सी इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, आप प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं आपका, चेक करो। जी सर, जी न्यू सर, इक्वल टू क्या हो जाएगा खुद से बताइए, न्यू नॉट आप प्लस 1/h इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं आपका, हाँ, आप खुद से सोचो। ये जो इक्वेशन आई, इक्वेशन ये इक्वेशन आपको लग रहा है कि नहीं, वाई इक्वल टू एम सॉरी सी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एमएक्स इक्वल टू एमएक्स क्या हो जाएगा एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, चेक करो। अब बताओ बेटा अगर किसी अगर वाई एक्स के साथ वेरिएशन दिखा रहे, तो यहाँ पे लीनियर प्रोपोर्शन का रिलेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बताओ लीनियर आप खुद से बता दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक अगर वाई को मान लो वाई अगर ऐसे लिखेंगे वाई इक्वल टू के एक्स लिखेंगे, तो एक्स को अगर 2 टाइम्स करोगे तो वाई कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। इससे बता रहा हूं कि एक्स अगर 2 टाइम्स करेंगे तो वाई भी 2 टाइम्स, एक्स अगर 3 टाइम करेंगे तो वाई भी 3 टाइम्स। ये लीनियर प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और लीनियर प्रोपोर्शनल का जब रिलेशन लेंगे तो आपको खुद से बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी आप 2 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोर देन 2 टाइम्स होगा, क्योंकि न्यू नॉट भी बीच में है आपका। आपका क्या दिखा रही है, लीनियर प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लीनियर डिपेंड्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, राइट। इसका मतलब वही है कि अगर आपका, सुनिएगा इससे पता चलता है आपका कि अगर आपने देखो, अगर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर इंक्रीज करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, ये बताइए। इंक्रीज हो इंक्रीज इंक्रीज होगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्राफ प्लॉट्स करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा बताइए, तो ग्राफ प्लॉट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ग्राफ, अगर मैंने ग्राफ प्लॉट्स किया वाई इक्वल टू मैक्स प्लस न्यू का ग्राफ है, अगर मैंने न्यू लिया यहाँ पे और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने लिया, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, आप लोग बताइए बेटा, बताइए ये पॉइंट क्या होगा, न्यू नॉट होगा कि नहीं। नॉट। इस हाँ ग्राफ का जो टेन थीटा स्लोप लेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या बोलेंगे, सीधा 1/h बोल देंगे कि नहीं आप, हाँ हाँ आई बात समझ में। ग्राफ ओके, इसी ग्राफ में बताओ आप लोग, वाई इक्वल टू एम एक्स ग्राफ था ना, तो इंटरसेप्ट आएगा कि नहीं बताइए, सी जी सर, जी सर, न्यू नॉट का इंटरसेप्ट लेंगे कि नहीं आप बताइए खुद से। ओके हाँ, और एक चीज बता रहा हूँ, देखो इसी में ग्राफ आपको बता दो कि देखो क्या बता रहा हूँ आपको, देखना है एक और बता रहा हूँ। अगर मान लो कि आपने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का आपने ग्राफ प्लॉट्स किया, अगर आप जो लोगे वो न्यू ले लिया आपने एक्स एक्सिस पे, और काइनेटिक एनर्जी आप लेंगे किस पे, वाई एक्सिस पे, अब ग्राफ में किधर इंटरसेप्ट होगा, एक्स एक्सिस पे होगा कि नहीं। यस सर समझ में आया ग्राफ। जी आप बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगा कि सेम होगा, डिफरेंट डिपेंड्स होगा ऑन द नेचर ऑफ मेटल्स। किसी मेटल से, अब आइसोलेटेड एटम से किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करवाते हो उसको आयनाइजेशन प्रोसेस बोलते कि नहीं हम लोग, क्या क्या जैसे क्या होगा कि मेटल का आयनाइजेशन, मान लीजिए एक मेटल है और यू हैव टू रिमूव द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू फॉर्म द गैसेस कैटायन इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करो
इलेक्ट्रॉन अगर टाइटली होल्ड रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन चाहिए कि लेस एनर्जेटिक फोटोन? ज्यादा ज्यादा। तो क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आपका इंक्रीज होगा, वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वर्क फंक्शन इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी लीक फ्लो आगे बताऊंगा, आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो वर्क फंक्शन ये सब इंक्रीज होता, ये आगे बताऊंगा, अभी लिख लीजिए। आप एक काम करो, देखो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम लेंगे हम लोग, ये पोटेशियम लेंगे, आप बताइए, और रुबिडियम लेंगे हम लोग। आप खुद से सोचो कि अमंग दीज एलिमेंट्स, इन विच वन एलिमेंट्स हैविंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, रुबिडियम, और किस में टाइटली होल्ड रहेगा, लिथियम। सर क्यों अरे देखिए, टॉप टू बॉटम जाते तो साइज बढ़ते जाता है ना, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो जाएगा ना, बताइए। हाँ। आपको जब आयनाइजेशन एनर्जी बताएंगे तो फैक्टर और भी समझ में आएगा। अभी सिर्फ सोचिए कि टॉप टू बॉटम आने से साइज क्या होता है, बल्क ही होते जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियस से दूर लेके जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा कि नहीं? तो होगा सर। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बल्ले बल्ले वो इजिली दिखा के चला जाएगा। ऐसा होगा आप बताइए, इसीलिए क्या होता है, जितना भी आप फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल बनाते हैं उसमें सीजियम भी मेटल लेके चलते हैं हम लोग, कि सीजियम मेटल आपका विजिबल लाइट में दिखा देता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्कली मेटल में सीजियम जो होता है रुबिडियम, इससे विजिबल लाइट में दिखाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो बनाते हैं उसमें लोग कैथोड में जनरली रुबिडियम सीजियम ही लेते हैं। तो बताइए, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, बताइए तो आप लोग। लिथियम का ज्यादा होगा कि नहीं सोडियम से? हाँ यस सर। लिथियम का मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम आप खुद से सोचो, अगर आपको मैंने यहाँ पे ग्राफ देगा, देखिए कंपटीशन में कैसे पूछता है, क्वेश्चन देखिएगा क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको। अब मान लीजिए इधर आपने थ्रेशोल्ड ये लिए फ्रिक्वेंसी, इधर दे देगा आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो प्लॉट जो लेंगे, प्लॉट आपको मैंने बताया था कुछ ऐसा प्लॉट होगा कि नहीं बेटा, बताइए। हाँ। अब कुछ ऐसे ऐसे प्लॉट करके देखो, थ्री मेटल का दिखा दिया आपको, और यहाँ पे दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा। अब बताओ, बोलेगा कि ए बी सी का करेक्ट सीक्वेंस बताओ क्या होगा, तो बताइए किसका ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किसका ज्यादा लग रहा है आपको, बताइए। ठीक सी का सी है, का यहाँ पे दिख रहा है कि सी का जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा बी से, अब बी का ज्यादा होगा ए से। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि लिथियम हो सकता है, ये सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, बोल सकते हैं ना। हाँ। इसी टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में पूछा था रिसेंट ईयर में, क्या क्या था वहां पे, थ्री ग्राफ ले लिया था, और थ्री ग्राफ के बोला था कि विच वन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स, तो वहां पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, नहीं पकड़ लोगे आप लोग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से? तो बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स लिनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स इंसिडेंट रेडिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लिनियर लिनियरली। चलिए थोड़ा लीजिए, आप खुद से बोलो, अगर आपको बोलेगा कि थ्रेशोल्ड, अगर मान लीजिए बोलेगा कि इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन अगर मान लो 2 टाइम्स कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन 2 टाइम्स होगा कि लेस देन 2 टाइम्स, इक्वल टू 2 टाइम्स होगा? मोर देन मोर देन टू 2 टाइम्स, ये सब याद रखिए, क्वेश्चन के थ्रू भी बता दूंगा आपको। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब सबसे पहले सुनो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, उसके बाद समझ में आएगा। ये लाइन समझ में, मैं क्या लिखा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं होगा, बताइए, इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन ये। अब बोलेगा आपको कि विच वन फैक्टर, विच वन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी देगा, तो विच वन विल अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये कहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, बट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नेवर इम्पैक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डोंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। आप बताइएगा इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, बताइए। ब्राइटनेस 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 ब्राइटनेस
इंटेंसिटी का मतलब केमिस्ट्री में, यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, विथ सेम फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, विथ सेम फ्रीक्वेंसी जी, स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो बताओ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम का अगर बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फोटोन आएगा तो ज्यादा इंटेंसिटी होगा। क्या बोले क्या बोले। आप एक काम करो, मैं ऐसे फिगर बना के दिखा रहा हूँ, सुनिएगा इसको, देखिए देखिए ऐसे करके देखिए आप लोग। देखो मैंने दो प्लेट बना दी, दोनों के एरिया मैंने ऑलमोस्ट सेम रखा, इमेजिन कर लो दोनों के एरिया सेम है, और ये सब इलेक्ट्रॉन सब है, ये इलेक्ट्रॉन सब है, यहाँ भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स रखा, ये सब इलेक्ट्रॉन सब है। इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में कौन सा चार्ज है बेटा बताइए? पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सब है उसके सराउंडिंग में। अब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए यहाँ पे देखो मैं फोटॉन्स आएगा, सुनिएगा यहाँ पे देखना कि एक फोटॉन्स आया, यहाँ पे देखो एक फोटॉन्स यहाँ भी आया, यहाँ पे देखो एक फोटॉन्स आया, यहाँ पे देखो एक फोटॉन्स आया, बताइए पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितना फोटॉन्स आ रहा है मेटल सरफेस पे? फोर। फोर फोर और यहाँ पे देखिए मैंने फोर यहाँ भी स्ट्राइक करवा रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्राइक करवा रहा हूँ, यहाँ भी स्ट्राइक करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखते रहना कितना फोटॉन्स आएगा आपका। मान लो यहाँ भी मैं इलेक्ट्रॉन बनाने जा रहा हूँ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स आया आपका, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स बनाने जा रहा हूँ आपका, बताओ कितना फोटॉन्स आया यहाँ पे? उससे सेवन सेवन उससे सेवन ज्यादा आया कि नहीं सेवन बताइए? अब खुद से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया? फोर। फोर सेवन फोर और यहाँ से फोर जाएंगे सेवन तो उससे ज्यादा इजेक्ट फोर होगा कि नहीं बताइए खुद से? हाँ सर हाँ सेवन सर। हो रहे अब हैं सेवन बताओ, हो रहे हैं। अब जितना भी ये ब्राइट आपको बताओ तो इसमें क्या होगा कि सबसे ब्राइटर लाइट किस में आ रहा है ये बताइए आप? सेकेंड और वाले में देखो सेकेंड वन वाले एंड में टू लिए, सेकेंड वाले में इंटेंसिटी वन लिए, इंटेंसिटी टू लिए, तो इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा? आई टू आई इज टू ग्रेटर देन इज आई वन ग्रेटर देन आई वन आई टू इज ग्रेटर देन आई वन। अब खुद से सोचो कि ज्यादा से ज्यादा फोटोन्स आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चल यहाँ से निकल आप यहाँ से, लेकिन खुद से बता दो जो भी फोटॉन्स आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगा, रीजन क्या होगा? बिकॉज यू आर गिविंग द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हाँ। मतलब आप सोच लो कि यहाँ एक फोटॉन्स की एनर्जी, यहाँ जो एक फोटॉन्स आ रहा था, एक फोटॉन की एनर्जी एच नहीं होता तो यहाँ भी एक फोटॉन की एनर्जी एच नहीं हुई है, तो बताइए जो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपने वन में दिया, वही इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपने टू में दिया, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका इंटेंसिटी वन में वन लेस है और टू में आपका ग्रेटर है, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए? नहीं सर नहीं सर आप एक काम करो, मैं आप कहीं पे देखो कहीं पे क्या होता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, यहाँ पे ब्राइटनेस कम है, आप क्या करते हो जैसे आप टीवी स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, कुछ कलर एक पर्टिकुलर कलर देखते हैं, पर्टिकुलर कलर में देखना कभी कभी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है या कहीं ब्राइटनेस बहुत फेंट होता है, डल कलर आता है, कभी डीप रेड आएगा कभी डल रेड आएगा, तो कलर तो रेडी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी फोटोन तो फिक्स है वहां पे। आप खुद से बताइए अगर डीप कलर होगा तो आप क्या बोलोगे, ज्यादा इंटेंसिटी है, और डल कलर होगा तो क्या बोलेंगे, लेस इंटेंसिटी है, डीप कलर का मतलब ज्यादा फोटॉन्स है वहां पे और डल कलर का मतलब लेस फोटॉन्स है, लेकिन एक एक फोटॉन का फ्रीक्वेंसी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा बताइए आप लोग, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो? नो। नो आप खुद से डिफरेंस विल बी देयर सोचो, विल बी देयर आप खुद से सोचिए, आप बताइए इंटेंसिटी का मतलब, मैंने बोला ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब होता है सीधा आप याद रखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है दैट इज, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, अब बताइए मोर ब्राइटनेस तो मोर नंबर ऑफ फोटोन या मोर एनर्जेटिक फोटोन, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, ये बताओ?
नंबर ऑफ नंबर फोटॉन्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी, तो मान लो कि ब्लू कलर का मैं रेडिएशन दे रहा हूँ मेटल सरफेस पे, दो स्टूडेंट को मैंने बोला कि ब्लू कलर का ही रेडिएशन दो, एक स्टूडेंट ने क्या मोर ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा ब्राइटनेस का ब्लू कलर दे दिया, एक ने क्या क्या डल कलर का ब्लू कलर दिया, तो दोनों में एक एक फोटॉन्स जो जाएगा उसका एनर्जी सेम रहेगा कि डिफर कर जाएगा? सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा, सेम एनर्जी सेम रहेगा, सेम रहेगा। रहेगा, तो बताइए इंटेंसिटी होगा, बट एनर्जी ऑफ इस फोटोन क्या होगा? एनर्जी ऑफ इस फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा बताइए? एनर्जी ऑफ फोटोन, स्टडी एनर्जी ऑफ स्टडी फोटॉन्स आर आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल? आइडेंटिकल 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 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जो वन का होगा वही काइनेटिक एनर्जी टू का होगा कि नहीं? तो हाँ। अगर कोई पूछेगा इंटेंसिटी चेंज करने पे क्या इंक्रीज क्या चेंज हो जाएगा, तो बोलोगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स सेम नो, सेम। सेम इसका मतलब वही है कि अगर आपने क्या क्या देखो यहाँ पे, अगर ग्राफ आप ड्रॉ करोगे इंटेंसिटी वर्सेस का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, आपका क्या ग्राफ आएगा बता दो? इंटेंसिटी का स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन पैरेलल पैरेलल टू टू द द एक्स एक्स, एक्सिस यस, कुछ भी इंटेंसिटी लेंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? कांस्टेंट। लेकिन होगा क्या बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा कि नहीं बताइए? तो हाँ। इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा होगा कि लेस होगा? ज्यादा ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा बताइए? इंक्रीज होगा। इसका मतलब वही है कि अगर आपने क्या क्या देखो यहाँ पे, इंटेंसिटी को बोला आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स, खुद से बताइए ब्राइटनेस, अगर जी ब्राइटनेस हाई नहीं, लाइट हाई नहीं, तो इसका मतलब वहां पे एक भी फोटोन नहीं आ रहा है। अगर एक भी फोटोन आएगा तो कुछ ना कुछ तो ब्राइटनेस आएगा, लेकिन जितना ज्यादा फोटोन उतना ज्यादा ब्राइटनेस। आप खुद से बताइए अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंटेंसिटी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा प्लॉट होगा, खुद से बताइए? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू थोड़ी सी थोड़ी बताइए, तीनों ग्राफ आया समझ में आपको? सी। अगर कोई पूछेगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन तो एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स फोटॉन्स, बिकम बट डज नॉट बिकम डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप खुद से बताइए, अगर बोलेगा कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इंक्रीज करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स या फोटॉन्स एनर्जी ऑफ फोटॉन्स? नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स आप कितना भी करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, बट इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, सेम रहेगा। चलिए अब क्या होता है, एक टर्म होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, पिछले इसको वी, ग्राफिक नहीं, कौन सा ग्राफ? हाँ सही है, हाँ सही है सर। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बताइए आप लोग? यस सर, यस सर। ओके, व्हाट एवर टॉट यू टिल नाउ इन दिस फोटो लेव दैट पर्टिकुलर फॉर यू ऑल, टेल मी, बताइए। चलिए आप जो हम लोग चलने जा रहे हैं बताइए, अब तक यहाँ तक क्लियर है? तब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा क्या बता रहा हूँ आपको, एक और बताऊंगा, लेट मी दैट पर्टिकुलर, यस प्लीज। ओके रश्मिता, बट टेल मी दिस पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल, फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी? सिग्नल सिग्नल नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, आप खुद बताइए कि इंटेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी, दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल? हाँ। ओके, इफ वी सेट द इंटेंसिटी, हाउ द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट पार्ट? हाँ। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस द स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल? अब क्या होगा सुनो, आप देखो यहाँ पे कि मेटल के सरफेस से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर यहाँ से जो बैटरी लगाया
ये बैटरी अगर मान लो जितना वोल्ट का दिया, उससे स्ट्रॉन्गर वोल्ट का अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी लगाऊंगा, मतलब यहाँ से बैटरी में लगाना अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में इनवर्ट पुल आएगा कि नहीं, ट्रैक करेगा कि नहीं उसको बैकवर्ड, अगर इसको एनोड कर दूंगा तो। हाँ देखो सर, हाँ सर, देखो करेगा। देखो, ये मेटल का सरफेस है, अब मेटल का सरफेस यहाँ पे निगेटिव लिखा और ये पॉजिटिव रखे, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होकर चला आएगा, लेकिन इसी प्लेट को अगर निगेटिव बना देंगे तो राइट यहाँ पे कंटिन्यू देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। हो सकता है कि नहीं, ऐसे जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब आप साइकिलिंग करते हो ना, साइकिलिंग करने के बाद आप मान लो साइकिलिंग करते हो, फ्रेंड आपको पीछे से पुल करता है, एक इनवर्ट पुल आता है, ड्रैग करता है आपको, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है कि नहीं, स्लो होते जाता है, फ्रेंड आपका भी वहां पे फोर्स लगा रहे हैं, लास्ट में जाएगा आपका आपका स्पीड क्या होगा, जीरो, आप वहां से गिरना स्टार्ट कर देते हो, होता है कि नहीं ऐसा। तो वैसे ही सोचो कि आप अपोजिट पोटेंशियल अगर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर सकते हो कि नहीं आप। देखो यस मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से आ रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देंगे, देखो कंटिन्यू आप रेडिएशन दोगे, रेडिएशन मैं देना नहीं बंद कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को तो फ्री कर दो रो बाइंडिंग एनर्जी से, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कौन सा पार्ट को आपने जीरो कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को या वर्क फंक्शन को, काइनेटिक यस एनर्जी को। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सुनिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल, मस्ट बी अप्लाइड ऑन मस्ट बी अप्लाइड बाय मेकिंग कैथोड, बाय मेकिंग कैथोड एज पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, बताइए पॉजिटिव 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 टर्मिनल। टर्मिनल देखो पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड बाय मेकिंग द कैथोड एज ए पॉजिटिव टर्मिनल सो दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, तो उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं आप लोग। देखो मैंने बोला मिनिमम पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड बाय मेकिंग द कैथोड एज ए पॉजिटिव, तो बताओ क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाएंगे तो पोटेंशियल क्या अप्लाई करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है उसका अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करो, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्गर होना चाहिए सो दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलोगे आप। तो मतलब कैथोड अगर पॉजिटिव हो गया, तो तो मतलब कैथोड इलेक्ट्रॉन, अगर नहीं पॉजिटिव हो गया सुनिए तो सुनिए नहीं नहीं सुनिए, बता रहा हूँ सुनिए बता रहा हूँ आप। देखो देखो यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल लिफ्ट, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिएगा एक से देखिए, अगर आपने यहाँ पे लेट कर लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने 10 वोल्ट लिए, आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर 9 वोल्ट देंगे तो ये विनर तो यही रहेगा ना आपका, देखो बैटरी लगा के रजिस्टर लगा के यहाँ से पोलरिटी को डिफर किया जाता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे और डिटेल, मैं बता रहा हूँ आपको ये पोटेंशियल आपने दिया यहाँ पे 10 वोल्ट का, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करो 9 वोल्ट का, तो बताइए अभी भी तो विनर आप ही है, तो ये तो निगेटिव ही रहेगा, हाँ लेकिन हाँ आपने 10 वोल्ट का था, 10 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, अपोजिट भी मैंने 10 वोल्ट का लगा दिया, तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, हाँ हाँ लेकिन आपने क्या किया, 10 वोल्ट का था आपने अप्लाई कर दिया 10.5 वोल्ट का, तो देखो आप विनर हो गए, तो फिर तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं आपका टर्मिनल। बताइए, यस तो सर निगेटिव से पॉजिटिव जब टर्मिनल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी उसको जीरो करके रख देगा कि नहीं, अपने तरफ पकड़ के रख लेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स को, वो आई बात समझ में, हाँ सर, हाँ सर। अपनी तरफ अगर पकड़ के रख लिया इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ जो आपने जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, जो भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया आपने, वो वर्क डन आप किसके लिए यूज किए, टू मेक द काइनेटिक एनर्जी जीरो या टू मेक द वर्क फंक्शन जीरो।
कार्डियन भी जीरो है। ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा बताइए, आपका इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में तो ई भी हो जाएगा, ई भी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कि नहीं बेटा बता दो। यस आप बताइए, फ्रॉम इक्वेशन टू मैं ले रहा हूँ, इक्वेशन टू से, तो इक्वेशन टू जाएंगे तो आप खुद से देखो कि एच न्यू इक्वल टू क्या था, एच न्यू नॉट को रिप्लेस करके, काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करके ईवीएस दे सकते हैं हम लोग। ईवीएस देंगे तो ये इक्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वर्क फंक्शन के टर्म में। मैंने इस इक्वेशन को ले लिया यहाँ पे 4 या 5 जो भी होगा। आप बताइए इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करोगे तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नॉट अब प्लस क्या होगा, ई बाय एच अब वी एस। ये इक्वेशन मैंने 6 लिया। इस इक्वेशन में अगर मैं प्लॉट लूंगा, प्लॉट देखो यहाँ पे पोटेंशियल के प्लॉट लूंगा, किसके स्टॉपिंग पोटेंशियल है और किसके बीच में प्लॉट लूंगा मैं, देखो अगर मैंने ये पोटेंशियल लिया और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया, कुछ ऐसा प्लॉट होगा कि नहीं देखो आप लोग। बताइए कुछ ऐसा प्लॉट होगा, इसको न्यू नॉट बोलेंगे। आप एक काम करेंगे, स्लोप क्या होगा इसका ग्राफ का, ई वैच। बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना अप्लाई करोगे ये भी प्रैक्टिकली आप लैब में कर लोगे, तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं स्लोप से। तो बस यही, ये देखो सुनो, आपको एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉन आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर होता है, आप जज कर लोगे, फील कर लोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये फील कर लोगे, लेकिन इज इट पॉसिबल टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। क्या करते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो लिए उसमें एक अपोजिट पोटेंशियल दे देते हैं, इंडिकेटर से देखते हैं कि कब जाके करंट वहां पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, जैसे डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग ले लेते हैं हम लोग, बस वहां से समझ जाते हैं ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाएगा कि नहीं बताइए। बस यही मेथड होता है जहां से हम लोग फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज होता है, प्रैक्टिकल यूज होता है टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये, इसका यूज होता है टू फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिकली। तो आपको बोलेगा प्रैक्टिकली काइनेटिक एनर्जी कैसे, फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, तो किससे फाइंड करेंगे बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। अब बताइए स्लोप से क्या फाइंड करते हैं हम लोग, एच का वैल्यू वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज डिटर्म वाज डिटरमाइंड determined through the slope of this graph। तो आपको पूछेगा स्कूल के एग्जाम में कि एच का वैल्यू कहाँ से आता था, क्या बोलोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से, बताओ। अब तो प्रैक्टिकली सोचो कि काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब जितना भी आपका होगा ये सब कहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा यहाँ तक कुछ आइडिया लगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, ये सब आइडिया लगा आप लोगों को। यस अब देखो आप क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, देखिएगा सुनिएगा, देखो आइए यहाँ पे देखिए, वन देखो वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज द 4 किलो जूल 4 इलेक्ट्रोवोल्ट पर मोल दिया, ने 4 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली, तो बताइए लैम्डा नॉट फाइंड करने बोल रहा है कि नहीं आपको।
बताइए क्या बोला, लैम्डा एम नॉट फाइंड करने बोल रहा है कि नहीं, लैम्डा एम नॉट फाइंड करने बोल रहा है कि नहीं आपका। यस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था मिनिमम, सर, ये होगा आपका मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द वर्क, मैक्सिमम वेवलेंथ है ये। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, आप बताइए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो ये मैक्सिमम रिवर्सिप्रोकल होता है। बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा, कुछ बताइए आप लोग। 1240/4 कर देंगे, 310 310 1240/4 कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, बताइए कुछ से। तो यस 1240/4 करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, थ्री ऑप्शन वन सी जीरो आएगा, सिक्स 310 नैनोमीटर। देखो इजी है कि नहीं बताओ, ये फॉर्मूला इजी है कि नहीं, ठीक करने के लिए है कि नहीं इजी, बताइए आप लोग कुछ से कर लेंगे। अब आइए सेकेंड में क्या बोल रहा है सुनो, सेकेंड में वही बोल रहा है आपसे इक्वेशन। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द दिया आपका ये लैम्डा नॉट, इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 260 नैनोमीटर, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इन इलेक्ट्रो वोल्ट। पकड़ लोगे या नहीं कर पाओगे बताइए आप लोग। सर। तो आप क्या करना है ना, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आप क्या करना, थ्रेशोल्ड फाइंड करना 1240 अपॉन क्या करना 380 कर देना, ये इलेक्ट्रो वोल्ट्स आ जाएगा आपका। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितना होगा तो वो भी फाइंड कर लेंगे आप, 1240 अपॉन क्या कीजिएगा 260 कर दीजिएगा, ये इलेक्ट्रो वोल्ट आ जाएगा। आप बताइए आप, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 5। अब बताइए ईपी आपको बता दिए 1240 अपॉन 260, माइनस ये क्या होगा 1240 अपॉन 380, जहां तक मैं देखता हूँ यहाँ पे 1240 करोगे तो वो हो जाएगा आपका 5, और ये करोगे तो आपका हो जाएगा ये 4, 2 इलेक्ट्रो वोल्ट ये के करीब, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रो वोल्ट के करीब आ जाएगा। देखो आ जाएगा कि नहीं 1.5 इलेक्ट्रो वोल्ट, बताइए आप लोग आ रहा है कि नहीं 1.5 इलेक्ट्रो वोल्ट। चेक कीजिए आप लोग, अति बताइए फटाफट बताइए, अंकित बताइए आएगा आपका 3, उत्कर्ष टेल मी आर यू गेटिंग द 1.5 इलेक्ट्रो वोल्ट यस और नो, आस्की संयुक्त बताइए टेल मी डू फास्ट ऑल, आर यू गेटिंग 1.5 इलेक्ट्रो वोल्ट या 3 इलेक्ट्रो वोल्ट, व्हाट शुड बी आंसर। बट हियर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली अपना फॉर्मूला लेके बताया तो आप अप्रोक्सीमेटली पे चली जाओगे वहां पे 1.4, लेकिन ये बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली के फॉर्मूला कर लो 1237 कर लो, तो 1237 करोगे तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है 1237 यूज करने के लिए आपको। तो बताइए 1237 करेंगे तो आ रहा है 137, ये 1237 करेंगे तो ये 1237 करेंगे तो आई थिंक ये 1237 में आ जाएगा आपका कितना आ रहा है, 3 इलेक्ट्रो वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रो वोल्ट, तो 1.5। आई बात समझ में, कैसे करेंगे इलेक्ट्रो वोल्ट में, उसकी कदा जिस तरह दे बोल बाबू क्लियर हुआ ये, तो मैं आगे चलूंगा इसको लेके आगे फिर। संयुक्ता टेल मी दिस पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल यस और नो, देन आई मूव करूंगा आगे मैं। यस ओके बेटा बताइए, ये 3 जो लिए सरफेस ऑफ द सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर, और देन बाय द ये फिर बोला 1240 यहाँ पे यूज करने के लिए। देखो लैम्डा 2 लिया वहां पे, एक बार दिया 350 नैनोमीटर का, एक बार दिया 540 नैनोमीटर का। इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस डिफर बाय द फैक्टर 4, ये सॉरी 2। तो अगर बताइए बाय फैक्टर 4 बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो कितना टाइम्स होगा, तो अगर स्पीड अगर 2 फैक्टर्स होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 फैक्टर हो जाएगा कि नहीं,
अगर बेटा वी इक्वल टू टू का फैक्टर का डिफरेंस आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? ओके अब बोल रहे हैं आपसे कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रो वोल्ट्स में, नहीं कर लोगे खुद से? ये कर दूं? सर आप एक बार आगे दिखाएंगे दिखाएंगे। देखिए लैम्डा एम है आपका, एक बार आपका जो फोटोन का एनर्जी आया, एक बार जो सुनिए एक बार जो एनर्जी आया फोटोन्स का, वो कितना टोटल एनर्जी आया बताइए? तो एनर्जी ऑफ फोटोन बता रहा हूँ इसका, ये 1240 बाई क्या करेंगे बेटा, 340, ये कैंसिल हो गया आपका, ये बेटा बताओ कितना हो जाएगा, ये 35 से जाएंगे ना, ये 35 से जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 35 4, थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना आएगा जल्दी कैलकुलेट करके दीजिए ना आप लोग, क्योंकि मैं उतना स्पेस कंज्यूम नहीं करना चाह रहा, चलो जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी बताइए आप लोग। आरती बताओ बेटा कितना आ रहा है? 3.5 इलेक्ट्रो वोल्ट राइट, यही वन ले लिया मैंने इसका, और ये जो रहेगा ये कितना आए के करेगा बताइए, तो E2 1240 बाय 540, तो ये कैंसिल करेंगे तो नियरली 0.2 के करीब आएगा कि नहीं, 0.2.5 के करीब आ जाएगा कि नहीं, ये कितना आ रहा है, 2 पॉइंट, टू पॉइंट फाइव या 2.43 उसी के बीच में आएगा, चेक कर लो, 2.29 लेते, 2.29 ले लेता हूँ आपको, तब 2.3 लेके चले इसको राउंड ऑफ करके, ओके। अब ये बताइए कि आपको बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएंगे, आपको बोलेंगे कि E1 जो होगा दैट शुड बी द 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने 1 ले लिया, और E2 जो होगा ये हो जाएगा आपका 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने 2 ले लिया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि स्पीड अगर आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? तो बताइए V1 अगर मान लीजिए कि 2 टाइम्स ऑफ, देखो V2 जो होगा बोल रहा है ये कि V1 जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ द V2 बोल रहा है कि नहीं आपका, देखो नो रॉन्ग बोल दिया, B1 जो बोल रहा है, B2 जो बोल रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ V1 बोल रहा है कि नहीं आपका? हाँ सो B2 तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा K1 वो K2 वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी K1, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जी सर E1 बाई E2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? थ्री पॉइंट फाइव अपॉन क्या करेंगे, 2.3, कर सकते हो ये, द फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस रिफर विद वेक्टर 4, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन टू केसेस रिफर बाय द टू, टू फैक्टर से कर रही है, तब बताइए तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा और ये काइनेटिक एनर्जी आप करेगा, तो इसको ऐसे करेंगे, रुको 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 रुको, रॉन्ग क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रखना ही है आपका, तो ये 5 को में के दो इक्वेशन लाना पड़ेगा, दो इक्वेशन ला के 5 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, इसको ऐसे कर दो, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अननोन है ना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में लेके आइए पहले, E1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका E1 प्लस 5, सॉरी -5 -5, और KE2 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, E2 -5, सर हम तो K2 को K1 लिख सकते हैं, हाँ वही होना चाहिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ना वो रॉन्ग लिख रहा है, मेरे को दिख रहा है रॉन्ग लिख रहा है यहाँ पे, जबकि ये देखो लोअर फ्रिक्वेंसी है तो इसमें ज्यादा होना चाहिए आपका, इसमें कम होना चाहिए आपका, होना चाहिए ये रियल में ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए, वही देख रहा था ये V2 जो होगा, सॉरी V1 जो होगा दैट शुड बी द 2 टाइम्स ऑफ द V2 होना चाहिए कि नहीं बताइए? यस सर
तो बताइए हाँ काइनेटिक एनर्जी जो 1 का होगा वो 4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, 2 का, ये होना चाहिए। चलो टू अब चलो इसको टू वी चलो ना फ्रॉम इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 को, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा कि नहीं आपका पाई का वैल्यू, हाँ, कर लेंगे अब या कर दें आगे? खुद मैं से कर लूंगी से कर लूंगी। देखिए कितना रहा आंसर, देखिए फटाफट बताइए आंसर कितना रहा आपका, चेक करो आंसर कितना आएगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसको, अगर डिवाइड करोगे ना 4, अगर मैं 4 लूंगा यहाँ से, तो ये देख रहा हूँ यहाँ पे कि E2, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12, 9.3, और इधर आ जाएगा आपका 4.2.3, 4.3, ये सॉरी 4 इधर आ जाएगा, तो आपका 4 उधर जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3.5, थ्री मेरा वन पॉइंट नाइन नाइन आ आ रहा रहा है। अच्छा है, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, मैं देख रहा हूँ आपका ये, देखिए रुकिए इधर जाएगा आपका, देखो इसको अगर 4 कर देंगे ना, इसको अगर डिवाइड करके 4 करेंगे, इसको लेके इधर आएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9.2 के करीब, ये आ जाएगा आपका 4, आप 4 को जैसे उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 3.5, और ये 9.3 से अगर 3.5 को करेंगे तो वो 6 के करीब आएगा, अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 2 बाई 3, 3 बाई 2, मतलब 1.5 के करीब आएगा, 1.8, 1.5 के करीब आएगा, सर मेरा वन सर पॉइंट मेरा नाइन वन आया। पॉइंट यस नाइन वन पॉइंट नाइन तो 1.8 मार दूँ, ठीक कर दूँ, बताइए आप लोग, यस मेरा यस भी वन यस पॉइंट वन यस पॉइंट 8, बताइए कुछ आइडिया लगा कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये बताइए आप लोग पहले। जी सर तो बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये समझ में, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एनर्जी ऑफ फोटोन इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी हियर रिलेटेड टू ब्राइटनेस, मतलब इफ यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ ए रेडिएशन इट मींस यू आर नॉट चेंजिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन एज इट इज रिमेन द सेम, मतलब लेस ब्राइटर लो या मोर ब्राइटर लो, एनर्जी ऑफ फोटोन यू आर नॉट चेंजिंग, दैट्स व्हाई द फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्लियर हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ आपको, देखना यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ जो जनरली वेबजी समय ये सब पूछ देता है, देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का दिया है कि नहीं आपका, देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट का थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दिया है कि नहीं, देखो आप लोग, अब देखो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे कम है कि नहीं पोटेशियम का, हाँ और जैसे डी ब्लॉक में एलिमेंट जाएंगे सिल्वर कॉपर सब, वो समय टाइटली होल्ड रहेगा आपका, तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि नहीं, सर क्या टाइटली क्या होल्ड टाइटली रहेगा, होल्ड है। टाइटली, अब ना ये सब आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो उसमें और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड रहेगा, डी इलेक्ट्रॉन का पुअर शेल्डिंग इफेक्ट तो बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग सब में, उसी के चलते ये क्या होता है टाइटली होल्ड रहता, देखो ज्यादा वैल्यू है कि नहीं आपका थ्रेशोल्ड का। हाँ जे एडवांस का एक बार क्वेश्चन पूछा था, जे एडवांस में क्या क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म दे दिया था, अब वहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये कितना फोटॉन्स का एनर्जी आ रहा है वो दे दिया था, अब उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करो, अब बोला था कितना मेटल्स का पॉसिबल है यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं बता दोगे? हाँ हाँ सर वो फोर्थ में एक बोला था बोला था उससे ज्यादा है निकलना था। तब आई बात समझ में यहाँ पे, हाँ। यही सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो यही क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए आप लोग एनसीईआरटी में जो दिया, देखिए जी सर देखिए अब यहाँ से जाओगे तो क्वेश्चन आपका मिलेगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, यानी बता देंगे 1 मोल ऑफ फोटोन एनर्जी क्या होता है, देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल दिया आपका, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है तो नहीं बता दोगे आप लोग, जी सर जी सर एच न्यू का फॉर्मूला लेके, यही सब आपका क्वेश्चन था, तब पकड़ लोगे, अब आइए देखो क्या बता रहा हूँ आपको, फोटोइलेक्ट्रिक क्या दिखाता है, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर, अरे बोल पार्टिकल नेचर, आप एक काम करोगे मेटल सरफेस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को आप एलिमिनेट आपको इजेक्ट करना है, अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लोअर फ्रीक्वेंसी का कोई भी रेडिएशन दोगे, आप कितना भी टाइम के लिए दे दोगे, कभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा? नो, द इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के में टाइम गैप नहीं होता, नो टाइम लैग,
तो नो टाइम लैग शो द पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? मैं बोल रहा हूँ सर आपको, ये एक बार फिर ये से एक बार फिर रिपीट से करेंगे। रिपीट, आप वही बता रहा हूँ, देखिएगा सुनिएगा, बता रहा हूँ आपको ये पार्ट क्या बोल रहा है, सुनिएगा यहाँ पे देखिएगा, फील कर रहा हूँ आपको, उसके बाद बता दूंगा। देखिएगा मान लीजिए कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज सब उसको इंटरेक्ट कर रहा है, ये तो पता चल रहा है आपको। हाँ ये हाँ सर, अब सुनिए क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर आपने फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी आया, ये फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, आप कितना भी टाइम के लिए आप दोगे यहाँ पे रेडिएशन, आपका कभी इलेक्ट्रॉन्स आएगा बाहर में? ओसा नो। अगर मान लो कि इसी सरफेस पे, इसी सरफेस पे मैंने क्या क्या सुनो, इसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को मैंने रखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ था ये, ऐसी सरफेस पे क्या करूंगा मैं, अभी जो रेडिएशन दे रहा हूँ यहाँ पे वो मैंने क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से गेट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन इजीली भाग जाएगा कि नहीं वहां से, बताइए क्या जी सर होगा? नो टाइम लैग, मतलब ये टाइम लैग कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कि रेडिएशन आया आप 5 आवर 10 आवर के बाद देखोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स आए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स आया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएगा, ये क्या शो कर रहा है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी शो कर रहा है कि नहीं? सुनो सर अगर वेव नेचर आप लोगे, सुनो हिमांगी सुनिए, वेव नेचर अगर लेंगे तो आप बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 10 जूल चाहिए, अगर मान लो वेव नेचर लोगे तो आप बोलोगे कि चलो 10 जूल चाहिए, आप ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी अब्जॉर्ब करो, एनर्जी अब्जॉर्ब करो, एनर्जी अब्जॉर्ब करो, जैसे आपको 10 जूल मिलेगा आप वहां से निकल जाओ, आप तो ये बोलोगे ना वेव नेचर में ने? एक बार रिपीट कर फिर पाएंगे। से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, जैसे सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या होता है, देखो बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसका ये जो फोटॉन्स आ रहा है, अगर फोटॉन्स का फीचर नहीं लेके अगर वेव नेचर मैं कंसिडर करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए 10 जूल चाहिए, और मान लो ये एनर्जी कंटिन्यूस पे स्ट्राइक करते रहेगा, कंटिन्यू एनर्जी आएगा, जैसे इसको 10 जूल की एनर्जी मिलेगा तो यहाँ पे निकल सकता है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, आप खुद से सोचो, ये सुनिए और निकलने के लिए नहीं, सुनिए बताओ, वेव नेचर अगर कंसीडर करेंगे, वेव नेचर अगर कंसीडर करेंगे तो अगर कहीं पे रेडिएशन स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पे, तो आज न कल वहां से इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएगा एनर्जी मिलने के बाद, हाँ। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन अगर दोगे मेटल सरफेस पे, आप 5 ईयर 10 ईयर कितना भी चला जाओ मेटल लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला है, तो वेव नेचर फेल है ना यहाँ पे। हाँ। अब वही बोला कि अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा इंक्रीज कर दो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, तो आपका नो टाइम लैग, मतलब टाइम लैग है ही नहीं आपका, फ्रैक्शन जैसे रेडिएशन आएगा मेटल सरफेस पे रैपिडली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, दैट शो द डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ। मतलब कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन आए तभी आप वहां से रेडी हुए निकलने के लिए। जी सर अगर 10 जूल मैंने फिक्स कर दिया एक क्वांटम का एनर्जी, तो एक क्वांटम 10 जूल लेके आए तभी आप रिमूव हुए, अगर एक क्वांटम 9 जूल लेके आएगा तो आप कितना भी आप टाइम देते रहो आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, तो बताइए क्या दिखा रहा है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? जी यस पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो फोटो इलेक्ट्रोड क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? पार्टिकल नेचर। आपको बोलेगी स्कूल एग्जाम में वो हाउ, तो बोलिएगा व्हेन फोटोन ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग द फोटोन ऑफ द मेटल सरफेस टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट शो द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर हुआ ये सब? आसो, चलिए अब थोड़ा दो हाथ पर दो बार लाइन बता देता हूँ आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, इसमें ज्यादा डिटेल पढ़ोगे फिजिक्स में केमिस्ट्री में, थोड़ा दो लाइन बता देता हूँ इसमें क्या, सुनिए ब्लैक बॉडी होता है क्या, द परफेक्ट बॉडी
परफेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लो, दैट कैन इमिट्स या दैट कैन एब्जॉर्ब और इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि इसके पास जो भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दोगे सबको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, सबको इमिट भी कर सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे अब? ब्लैक बॉडी। आई बात समझ, ब्लैक बॉडी क्या होता है? देखो यस सर एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ आपको, ब्लैक बॉडी होता कैसे। देखो एक होल ले लो, ऐसा होता है एक होल, एक नैरो होल बना लो आप, नैरो होल। देखो ये नैरो होल बना दिया मैंने, इस नैरो होल के थ्रू क्या करो, एक लाइट को यहाँ से ला के आओ। जैसे ही लाइट आएगा तो देखो यहाँ पे स्ट्राइक किया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक किया, मतलब मल्टीपुल रिफ्लेक्शन आप देखोगे इसी में, मल्टीपुल टाइम आप रिफ्लेक्शन इसी में देखोगे। इसमें जाएगा फिर देखो इसमें जाएगा फिर देखो इसमें जाएगा, मतलब खुद से सोचो, नैरो होल के थ्रू मैंने बॉडी में पास करवा दिया, अब मल्टीपुल टाइम उसी बॉडी में वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, मतलब बाहर नहीं आ रहा, वहां पे एब्जॉर्ब कर लिया कि नहीं लाइट को, बताइए आप लोग। यस इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। आई बात समझ, ब्लैक बॉडी कैसा होता है? अरे इतना तो मूवी देखते हो आप लोग, जैसे आप देखते हो बहुत सारा हॉलीवुड का मूवी देखते होंगे आपने, और जैसे उसमें क्या होता है, एक ट्रैप हो जाता है तो उसका निकल नहीं पाता, तो समझ लो ये ब्लैक बॉडी। आप सुनिए, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, समझ में आ गया? यस सर मतलब कि आप ब्लैक बॉडी बोलोगे, ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप सीधा बोलोगे कि दैट कैन अब्जॉर्ब द ऑल फ्रिक्वेंसी, दैट कैन इमिट द ऑल फ्रिक्वेंसी, मतलब मीट भी कर सकता सारा फ्रिक्वेंसी इसको, एब्जॉर्ब भी कर सकता सारा फ्रिक्वेंसी, तो क्या बोलेंगे उसको, ब्लैक बॉडी। आप सुनिए, आप क्या होता देखिएगा। सर सर अब्सॉर्प्शन अब्सॉर्प्शन करना करना चाह रहा है, चाह लेकिन रहा इग्निशन है, कैसे इग्निशन करेगा कैसे से करेगा। बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ सुनिए, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ, देखिए सुनिए। साइंटिस्ट ने क्या किए थे, एक आयरन का रॉड ले लिए थे, आयरन रॉड ले लिए थे, क्या लिए थे बताइए? आयरन रॉड लिए थे, और आयरन रॉड को देखो क्या किया, आयरन रॉड को आप हीट करोगे बेटा, आयरन रॉड को जब हीट करोगे तो उसका देखो क्या करेंगे, मान लो कि एक फ्लेम देके आप हीट कर रहे हो इसको, हीट कर रहे हो, तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया सुनो, जब हीट किया उसको तब उसका स्टार्टिंग में जो कलर आया वो रेड आया, रेड से चला गया येलो कलर, येलो से आ गया उसका व्हाइट कलर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करें इसी से हो रहा है, देखो व्हाइट कलर, व्हाइट से अल्टीमेटली वो आ जाएगा उसका ब्लू कलर, बताओ। ये जो रेडिएशन आपको मिल रहा है, ये रेडिएशन हीट जो मिलता है किसी हॉट बॉडी होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट अगर मान लो हीटेड होता है, तो हीटेड बॉडी जो एनर्जी इमिट्स करता है वो एनर्जी इमिट्स करता है रेडिएशन के फॉर्म में, ये जो रेडिएशन आ रहा है बेटा आपका, डिफरेंट कलर का रेडिएशन आ रहा है कि नहीं, डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो मान लो एक ही सरफेस पे अगर डिफरेंट कलर का रेडिएशन आएगा डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो ये क्या शो करेगा, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? अगर वेव नेचर शो करता ना बेटा, तो एक ही सरफेस एक ही कलर का रेडिएशन कितना भी टेम्परेचर पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही सरफेस पे जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो जो रेडिएशन इमिट्स करता है डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर का रेडिएशन, ये क्या शो कर रहा है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? पार्टिकल 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 नेचर, नेचर पार्टिकल नेचर। अगर एक ही टाइप का मान लीजिए कि रेड कलर ही फिक्स होता, रेड कलर ही फिक्स हो जाता, तो आप कितना भी टेम्परेचर करो रेड कलर ही आएगा आपका, तब आप वेव नेचर को फिक्स कर देते, लेकिन एक ही सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर आप गलत डिफरेंट गलत से टेम्परेचर, रेडर से रेडर नहीं, कैसे होगा बता रहा हूँ आपको, देखिएगा सुनिए, बता रहा हूँ ऐसा होता क्या, सुनिएगा। देखिए आपका मान लीजिए कि कहीं पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सुनिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन है ये, क्या सुनिएगा, देखो देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, आपने उसको हीट किया, हीट करने के बाद ये क्या करो, फ्रिक्वेंसी देखो, हीट करने के बाद रेडिएशन इमिट्स कर रहा है वो हॉट बॉडी, रेडिएशन इमिट्स करेगा, बताओ हीट इमिट करेगा कि नहीं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये बताइए पहले आप लोग।
यस सर, यस यस सर। सर लेट कर लो कि आपने ये लैम्डा वन लैम्डा वन लैम्डा वन, फिर लैम्डा टू, फिर लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर, फिर देखा मैंने लैम्डा फोर, और फिर लैम्डा मैंने टू देखा, लैम्डा वन देखा, मतलब कि यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन ला रहा हूँ मैं। फोर फोर, डिफरेंट टाइप्स, फोर डिफरेंट लेकिन लैम्डा वन का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन दिख रहा है कि नहीं आपको, बताइए। टाइप्स। इसमें जितना भी है उसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका होगा, लैम्डा वन का ज्यादा इंटेंसिटी होगा। एक काम करो, एक काम करो, सुनो, बता रहा हूँ। एक क्लासरूम में, एक क्लासरूम में आपका एक ड्रेस कोड दिया जाता है, और ड्रेस कोड जब दिया जाएगा आपको, तो मान लो कि 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट ने जो ड्रेस कोड दिया गया उसमें से 8 स्टूडेंट ड्रेस कोड पहन के आ गया, और 2 स्टूडेंट ने ड्रेस नहीं पहना, वो दूसरा कलर पहन के आया। आप खुद से सोचो, ऐसे ही सोचो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग देखो, 8 स्टूडेंट जो रूल को फॉलो कर रहा है तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा है कि नहीं, यस क्या बताइए। तो ओवरऑल जो आप दूर से देखोगे, दूर से आपको क्या कलर मिलेगा, जो ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब किया गया था 8 स्टूडेंट पर ना, वैसे ही कलर आपको ऑब्जर्व होगा कि नहीं, क्योंकि उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है। और जी सर जो जो दूसरा कलर सा देखो, इसका फ्रिक्वेंसी का देखो, 2 ही फोटोन मिलेगा, यहाँ देखो 2 ही मिलेगा, इसका 1 ही मिलेगा, तो सबसे लेस इंटेंसिटी किसका, कौन सा वेवलेंथ का फोटोन का होगा, लैम्डा थ्री का, हाँ हाँ और सबसे ज्यादा किसका होगा, लैम्डा वन का। जी अब खुद से सोचो, एक ही सरफेस से, एक ही सरफेस से अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का अगर रेडिएशन आ रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर, पार्टिकल 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 नेचर पार्टिकल नेचर। तो यहीं से प्रूफ हो जाता पार्टिकल नेचर। तो आप खुद से देखो क्या बोला था साइंटिस्ट ने, बोला था ये कि देखो साइंटिस्ट ने बोला, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, तो ये ब्लैक बॉडी क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, हॉट 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 ये डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो क्या बोला, ए डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब कि ब्लैक बॉडी से जो आपका रेडिएशन आ रहा है वो डिफरेंट वेवलेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उस पार्टिकल जो एक्साइटेड स्टेट में, वहां पे जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो सब डिफरेंट डिफरेंट कलर का रेडिएशन इमिट कर रहा था, बताओ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि नहीं डिफरेंट वेवलेंथ पे। हाँ तो डिफरेंट कलर का रेडिएशन अगर आएगा तो इसका देखो कैसा ऑब्जर्वेशन था इनका, साइंटिस्ट का, बोले साइंटिस्ट ये आप क्या करो, ऐसा करो सुनो, ये बोले कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ड्रॉ कर लो, किसका वर्सेस बताए, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो एनसीईआरटी में दिया आपका। अब बताइए वेव नेचर लेंगे, आप वेव नेचर अगर लोगे तो आपका क्या होगा, एक ही वेवलेंथ का रेडिएशन आना चाहिए कि डिफरेंट वेवलेंथ का, एक ही वेवलेंथ का एक आपका ही वेवलेंथ का ग्राफ ऐसा हो रेडिएशन जाता ना, आएगा। आपका ग्राफ ऐसा हो जाता ना, बताइए। लेकिन होता क्या, सुनो आपका ग्राफ देखो कैसा हो गया, इससे पता चलता है, आप खुद से बताइए कि ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ का ये इंटेंसिटी है और इस वेवलेंथ का ये इंटेंसिटी है, बताइए इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं, खुद से देखो बेटा, बताइए इस पॉइंट का, ये जो वेवलेंथ ले इस पॉइंट का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है कि नहीं, और ये जो वेवलेंथ ले उसका इंटेंसिटी कम है कि नहीं, इसका भी इंटेंसिटी कम है कि नहीं, बताइए आप लोग। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी रेडिएशन आ रहा है आपका वो डिफरेंट वेवलेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट जब हो रहा है तो आपका देखो पहले उसका इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। हाँ अब सर तो इस पॉइंट को सुनो, इस पॉइंट को क्या बोलते, सुनिए, इस पॉइंट को बोलते हैं लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ के लिए होगा, लैम्डा मैक्स का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ के लिए होगा, हाँ सर
लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं बोलते हैं, लैम्डा मैक्स का मतलब होता है वेवलेंथ फॉर विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। वेवलेंथ फॉर विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो बताइए आप खुद से सोचो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा वन लिखा, यहाँ पे मैंने लैम्डा टू लिखा, यहाँ पे लैम्डा अगर मैंने थ्री लिखा, तो बता दो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री में कौन सा लैम्डा को बोलेंगे लैम्डा मैक्स, वन या टू या थ्री को? टू टू को, क्योंकि टू का टू इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है ना। यस सर अब देखो अब क्या ऑब्जर्वेशन है, सुनो जेई मेन में जो पूछा था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैक्सिमा ऑफ द कर्व, ये कर्व का जो मैक्सिमम होगा शिफ्ट्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ। इसका मतलब क्या, पीछे आएगा मैक्सिमा के ऊपर जाएगा, बता दो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आ जाएगा टेम्परेचर ऊपर इंक्रीज आएगा करने ऊपर पर? आएगा। तो बताओ कलर चेंज कर जाएगा कि नहीं आपका? कैसो कैसो देखो आपका पहले जो ग्राफ था, मान लो कि टी केल्विन पे लिए, तो ये कलर के इसका कलर मैक्सिमम इंटेंसिटी था, तो जिसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता उसी का कलर आएगा। अब देखो यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ आपको, देखना यहाँ पे एक से बताऊंगा और कोई क्लैरिटी मिलेगा। देखो यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी में दिया, देखो इससे, देखो इससे और क्लैरिटी मिलेगा, देखो इससे। अब देखो तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर लिया, 8000 केल्विन तक गया कि नहीं आपका टेम्परेचर? जी सर जी सर 8000 टेम्परेचर तक गया केल्विन। आप खुद जो 10000 4000 5000 6000 7000 8000 लिया, बताओ 8000 तक का जो गया वहां पे जो कलर दिखा है वो कलर देखो, 8000 तक का कलर कहाँ पे लेके गया लैम्डा मैक्स को? उसका डिक्रीज हाइट क्या इंक्रीज इंक्रीज, हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। हाइट इंक्रीज हो रहा है ना? बताइए। यस सर यस सर मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं, ये रॉन्ग, ये जहाँ से लिए वो रॉन्ग दे दिया, रुकिए इसको हटा दीजिए, आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा आपका एनसीईआरटी का तुम देखो, नहीं गलत है, गलत है, गलत है। हाँ देखो हाँ वही वही बोल रहे हैं, तो रॉन्ग दे दिया था यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, देखो टेम्परेचर करने पे क्या हो क्या, उसको हाइट को इंक्रीज किया कि नहीं यहाँ पे, सही दिया था वहाँ पे, टी टू इंक्रीज किया कि नहीं, देखो लैम्डा मैक्स को डिक्रीज कर दिया कि नहीं, चेक कीजिए। देखो ये लैम्डा मैक्स था कि नहीं, ये लैम्डा मैक्स किसका होगा, ये लैम्डा मैक्स होगा, बताइए टी वन टी टू का किसका लैम्डा मैक्स ज्यादा, वेवलेंथ किसका ज्यादा? सर टी टू का टू का नहीं, लैम्डा मैक्स का वैल्यू बता रहा हूँ, वेवलेंथ का बता रहा हूँ बेटा, वेवलेंथ का टी वो वन के मैक्स लिए मैक्स टी वन का मैंने ज्यादा है कि नहीं? तब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज आई बात समझ में? आप यहाँ ऐसे से नहीं, यहाँ टी वन कैसे हुआ नहीं टेम्परेचर बता रहा कैसे हूँ, बता रहा हूँ आपको, मैं अपने से बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा देखिएगा सुनिएगा। देखो देखो ये ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा, देखिए एक ग्राफ में बताया था आपको ये इंटेंसिटी अब वर्सेस किसका ग्राफ था, सर वेवलेंथ। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये ग्राफ गया फिर ऐसे आ गया, फिर मैं बता रहा हूँ, देखो ये ग्राफ गया फिर मैंने ऐसे आ गया, ये टी वन का ग्राफ लिया, मैंने टी टू का ग्राफ लिया, बताओ किसका लैम्डा मैक्स कम हो रहा है? नहीं देखो का देखो टी टू का ये लैम्डा मैक्स होगा टी टू का, और ये लैम्डा मैक्स होगा किसका, टी वन का। अब खुद से देखो ये लैम्डा मैक्स का मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ पे जाइए, ये इसका लैम्डा मैक्स है, ये भी इसका लैम्डा मैक्स है, आप बताइए किसका लैम्डा मैक्स ज्यादा, टी वन का ये टी टू का? सर टी टू सर टी टू सर नो, टी वन का टी ग्रेटर है वन लैम्डा, टी वन टी वन। अरे कैसे कैसे सर देखिए ना आप वहां पे नीचे जाइए, नीचे जाइए उसका वैल्यू, नीचे जाइए इंटेंसिटी, नहीं नीचे जाइए आप, देखो ये लैम्डा मैक्स का वैल्यू ये है, ये पॉइंट है, ये लैम्डा मैक्स का वैल्यू ये वेवलेंथ है, किसका वैल्यू ज्यादा है, टी वन का ज्यादा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ
अब आई बात समझो कैसे करेंगे, इंटेंसिटी भी अगर लैम्डा को बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं लीजिएगा, इंटेंसिटी पे मत जाइएगा, सीधा किस पे जाइएगा आप लोग बताइए। लैम्डा चलिए लैम्डा मैक्स लैम्डा मैक्स लैम्डा मैक्स, इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके बता देता हूँ। चलो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे कैसे कैसे लैम्डा मैक्स कंपेयर करेंगे तो जी सर बताइए। इस तरह का मैंने जेई मेन का क्वेश्चन भी देखा था, आप क्वेश्चन के थ्रू आप दिखा दूंगा मैं कभी क्वेश्चन, वो तो लैम्डा मैक्स अगर कुछ भी पूछेगा आपसे, आप बोलेगा कि लैम्डा मैक्स आप डिफाइन करो, या टेम्परेचर आपसे पूछेगा T1 T2 का डिवेरिएशन, तो बता दोगे देखो लैम्डा मैक्स आप देखते जाओ, लैम्डा मैक्स जिसका कम होगा उसका टेम्परेचर सबसे हाई होगा कि नहीं। यस सर लैम्डा मैक्स मैं किसके रिस्पेक्ट में बोलो, लैम्डा मैक्स आई एम टॉकिंग रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैम्डा मैक्स वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्डा मैक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैंने बोला एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो रेडिएशन होगा उसका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, तो मैंने बोला आपको कि देखो यहाँ पे कि ये जो कलर वेवलेंथ है इसका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, इसीलिए उसको लैम्डा मैक्स बोला जाता है। लैम्डा मैक्स का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है ना लैम्डा मैक्स का टेम्परेचर के साथ, वो रेसिप्रोकल होता है, तो बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज होगा होगा हो जाएगा। तो बता दो ये सब जितना भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो बताओ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जो भी रेट आएगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिफरेंट वेवलेंथ या सेम वेवलेंथ। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट ओवर डिफरेंट वेवलेंथ, वेवलेंथ यस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ या हाई वेवलेंथ। सर आप एक बार सर क्वेश्चन आप रिपीट क्वेश्चन करेंगे रिपीट, नहीं नहीं बोले कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैक्सिमम ऑफ द कर्व ऑफ द शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, यस यस। इनवर्सली करेक्ट इनवर्सली क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल यस। तो जैसे ही ग्राफ देगा तो पकड़ लोगे आप कहाँ पे ज्यादा था कहाँ पे मैक्सिमम था, पकड़ लोगे आप ऐसे करके देगा तो। यस ओके यही था आपका, आप बता दो। तो अभी तक जितना भी ये सब दोनों थ्योरी क्या सपोर्ट कर रहा है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी या एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को। डिस्क्रीट 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 अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्वांटाइजेशन वो बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वांटम, वन क्वांटम की एनर्जी क्या होता है मैंने बता दिया, तो मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दिया, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बताया, वर्क फंक्शन बताया, आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिया, मैंने ब्लैक बॉडी बता दिया, यहाँ तक क्लियर है बताइए। तो बोहर सोलविंग मॉडल में स्टार्ट करूंगा अपने नेक्स्ट क्लास, चलिए यहाँ तक क्लियर है बताइए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जाओ यहाँ से सर वो प्रैक्टिस जो करो। क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन पीडीएफ वाला था वो भी भेज देंगे। नहीं, पीडीएफ का क्वेश्चन वो भी भेज रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन है तो वो मत बनाइएगा आप लोग, अभी जितना फोटो लेट करके 3 क्वेश्चन होगा वही बनाइएगा सिर्फ आप लोग। यस सर आज जो जो आज आज क्वेश्चन क्वेश्चंस मैंने मैंने बताए थे वो कॉपी नहीं मैंने किया कॉपी नहीं इसीलिए किया है, मैं पूछ इसीलिए रही मैं थी। पूछ रही थी। हाँ तो वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, और रिमेनिंग जैसे आपका ऑफलाइन क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में तो उसमें बोर्ड एटॉमिक मॉडल का मैक्सिमम पार्ट में कंप्लीट करूंगा, सारा क्वेश्चन वहाँ पे बता दूंगा। चलिए ठीक है, चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, नेक्स्ट डे गुड नाइट सर गुड नाइट सर गुड गुड नाइट, नाइट थैंक यू सर। थैंक यू सर।